मुझे एक्सपेरिमेंट करना है ना, वो कल मुझे इसको कैसे ट्राई करना है? इसको पैड भी होना चाहिए, इक्विपमेंट का सेटअप आपको कर देते हैं। नहीं आपको नहीं अंदर लेके आ, ठीक है, इस इक्विपमेंट के सेटअप के मुताबिक टाइट है ना? टाइट है, टाइट। अच्छा, सेटअप करने के बाद आप एक्सरसाइज पे जाएंगे। एक्सरसाइज में आपने डायरेक्ट स्टार्ट करना होता है। स्टार्टिंग में आपकी ये ग्राफिंग चल रही होती है, उसको आपने चेक करना होता है, ग्राफिंग सही चल रही है या नहीं चल रही। ये प्रोटेस कौन सा? इस नॉन एज़ा फावर लेब। ओके। और बेल्ट इज नॉन एज़ा न्यूमो ट्रेसर। न्यूमो ट्रेसर सभी ब्रेथ होल्ड करो। इनहेल होल्ड करो, फोर्सफुली इनहेल और इसमें ना चेंजिंग आई है इसमें। ये तो बात है इसमें कि इस तरह ग्राफ में फर्क आता है, जैसे इनहेल होल्ड करते हैं ना तो इस तरह बिल्कुल ही ग्राफ आता है। ऊपर क्यों नहीं जा रहा? असल में बीच में हम आपको समझाने के लिए ब्रेक किया। अच्छा, अब फोर्सफुली एक्सहेल करके होल्ड करो। एक्सहेल ग्राफ में तो चेंज नहीं आया। ये ग्राफ का ये देखिए हल्का सा चेंज आया है, ये यहाँ से यहाँ, लेकिन होना चाहिए। ये देखिए एग्जांपल डेटा इन्होंने दिखाया है, ये इस तरह नॉर्मल चला होता है तो ये आपका बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन गई है, बन गई, लेकिन बहुत लाइट थी जैसे ना यहाँ से। तो इसमें क्या नॉर्मलिटी नजर आती है? इसमें ये कि बॉडी मूवमेंट चल रही होती है, और हो सकता है कि इन्होंने डायरेक्ट बॉडी मसल के साथ अटैच किया हुआ हो। हम लोग ग्लोब पे कर रहे हैं ना। अच्छा। तो ये भी होता है कि सेंसर कम सेंस कर रहा है। थैंक यू।